एक्चुअली सब हलचल कर रहे हैं ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकी। आप सबको इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह का 6 बजा है। आज मौसम थोड़ा बहुत अलग सा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, आज का सीन कुछ ऐसा है, चारों तरफ बादल ही बादल छाया हुआ है आज। तो इसीलिए आज थोड़ा जल्दी उठ गए हम लोग। जल्दी मतलब क्या, 3:30 बजे से उठे हैं, घर का काम था ना सुबह से। देखिए ये लोग अभी कुछ कर रहे हैं काम यहाँ पे, कैसे लगे पड़े हैं सुबह से। मैं और सलमा यहाँ को पूरा बड़ा वाला कढ़ाई है ये, इसमें इस हल्दी को डालकर पानी डालकर उबालेंगे। ये हल्दी को अच्छे से धो लिया है, रात भर भिगो के रखे थे। इसको रात भर भिगो के रखे थे, लगा था वो सब धुल गया है। अच्छे से साफ हो गया है। देखिए दोस्तों कैसे इतना सारा हल्दी। तो यहाँ पे हम सारे हल्दी को निकाल लिए हैं पानी से, अब वो कढ़ाई पे उबालेंगे। अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा घंटा के लिए उबालेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा थोड़ा ही पकाना है। उसी का भी एक हिसाब है कितना पकाने से ये ठीक रहेगा। अभी आग को थोड़ा जला देंगे। तो दोस्तों आज लग रहा है बारिश होगा, मौसम बहुत ही भयानक हो रहा है, बादल पूरा छाया हुआ है। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये लोग देखिए पूरा सुबह से लगे पड़े हैं, नाश्ता कर रहे हैं ये सब। सुबह सुबह बहुत भूख लगती है। क्या खा रहे हो? ये रोटी खा रही हूँ, सब्जी और ये पाड़ुओ। पाड़ुओ? हाँ। देखिए सब लोग सुबह सुबह खा रहे हैं। मुझे तो अभी तक मिला नहीं। अभी खबर आया कि इस हमारे इस गांव का एक तालाब में कुछ हलचल सा मचा हुआ है। तो क्या हुआ है, इतना सारा लोग सब भीड़ में हैं, तो देखने जा रहे हैं अभी क्या हुआ है। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ, क्यों इतना भीड़ है, हलचल सा मचा हुआ है। A few moments later. तो दोस्तों अब हम पहुंच गए इस गांव के तालाब में। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पूरा फंका है, सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं। हमको गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया कि यहाँ कुछ हो गया है, बहुत भीड़ सा है। तो देखिए दोस्तों ऐसे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पानी जो था इस तालाब में, देखिए इसको छोड़ दिया गया है, मतलब पानी सुखा रहे हैं ताकि यहाँ और अच्छे तरह से खुदाई करके इस तालाब को बना सके। या तो पानी सब निकाल के यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं ये सब। यहाँ पे मछली छोड़ा हुआ था, आपको बैक कैमरा से दिखा रहे। देखिए दोस्तों ये सब पूरा जहाँ जो मछली छोड़ा हुआ था, इस मछली को सब पकड़ रहे हैं उस तरफ, तालाब के उस तरफ बड़ा बड़ा मछली सब कल से पकड़े हैं। ये देखिए बच्चा लोग सब पूरा पकड़ रहे हैं, खेल खेल के पूरा मिट्टी हो चुके हैं, पूरा मिट्टी में पूरा खेल खेल के पूरा भीग के पकड़ रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे। देखिए दोस्तों यहाँ पर मछली पकड़ के कैसे सब अलग अलग कर रहे हैं, छोटा बड़ा बहुत सारा मछली यहाँ पे कल से पकड़े हैं। और इस जाल में देखिए दोस्तों कितना छोटा छोटा मछली सब, ये देखिए सब इतना सारा मछली जाल में, इस सब को यहाँ पे रखे हुए हैं जाल में, स्टोर किया हुआ है इस जाल में सब, नहीं तो इधर उधर मिट्टी में घुस जाएंगे ना, इसीलिए इस जाल में यहाँ पे स्टोर किया गया है अलग अलग।
यहाँ पर छोटा वाला सब है। हेलो, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कैसे ला कर यहाँ पे सब डालेंगे, स्टोर करेंगे यहाँ पर, वहाँ से खोद के लाए और यहाँ पे स्टोर करेंगे। ये देखिए सब इतना सारा मछली, वहाँ मिट्टी से खोज खोज के यहाँ पर डाल रहे हैं ताकि यहाँ पर स्टोर अच्छे से स्टोर हो सके, इधर उधर ना जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वेट किया जा रहा है, ग्राहक सब आए हुए हैं तो इसको अभी वेट किया जा रहा है। देखिए कितना सारा मछली सब हलचल कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, मापदंड कर रहे हैं, तो हम भी अभी ले जाएंगे 1 kg के आसपास, देखते हैं कितना हो रहा है, नहीं तो और आधा किलो एक्स्ट्रा ले जाएंगे। मछली सब हलचल कर रहे हैं, ये मापदंड भी नहीं कर पा रहे हैं, देखिए बहुत हलचल कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको थोड़ा पकड़ कर। अरे ये रहा 1 kg हो जाएगा, उनका गोटा खुंड तो दोस्तों मछली हम ले लिए, तो अब जा रहे हैं घर पहुंच के इस मछली सब को साफ करके अच्छे तरह से बनाएंगे। और ये हम पहुंच गए घर और यहाँ पर मछली सब अनबॉक्सिंग करेंगे अभी। बाबू आसो, कौन आने छु देखो, आसो देखो तो कौनटा गुटे धर गुटे देखो कौन टा क्या है ये मछली, कोई दे मछली जल की रानी है, क्या कर रहे हो? ये हल्दी। देखिए दोस्तों, वो हल्दी जो उबाले थे तो यहाँ पर उबलने के बाद यहाँ पर धूप में सुखा दिया है, इतना सारा हल्दी सब। ये देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए, क्या है देखो तो, इतने सारे मछली। हाँ, बड़े वाले नहीं मिले क्या? बड़ा वाला तो नहीं मिले, सब छोटे छोटे साइज के ही थे, 2 उंगली वाला सब। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है अभी। क्या कर रहे हो यहाँ पर? मछली सब साफ कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये लोग मछली कैसे साफ कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, पूरा लगे हैं हम दोनों दोनों भाई लगे हैं। और जल्दी जल्दी साफ करो, ये नहीं हो रहा है ना, इतना छोटा छोटा मछली है ना, तो ज़्यादा दबाने से ये सब ये हो जाएगा, इसलिए थोड़ा। चावल बनकर तैयार हो गया है, आज ही पानी भात ही बनाए हैं, ये सब फ्राई करके खाएंगे ना, फ्राई करेंगे ऐसे गोटा गोटा ही, सर फ्राई करेंगे पानी में, कुछ तो फ्राई वाला ही अच्छा लगेगा ना। तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ।
अभी और क्या रेस्ट करूँ, भूख लग रही है ना, रेस्ट करने का मन भी नहीं कर रही। जब हो जाएगा खा कर एक बार मैं रेस्ट करूँगी। ये देखिए दोस्तों कैसे पूरे लगे पड़े हैं, बहुत सारा मछली है ना, 1.5 किलो लाए थे, छोटा छोटा साइज तो ज़्यादा ही कुछ हो गया। बहुत टाइम लगेगा ना सब करने में, टाइम तो थोड़ा लगेगा। तो दोस्तों हमारे मछली यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, ये फ्राई कर रहे हैं। हो गए क्या मछली? नहीं हुआ नहीं, ये और 3-4 तो बाकी है, ये हो जाने। अच्छा, तो ये तो बन के तैयार हो गए है ना। हाँ, ये बन के तैयार। आपको मैं दिखाती हूँ, ये फ्राई हो रहे हैं और ये फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पे ये फ्राई होके तैयार हो गया है, इसको पानी भात के साथ खाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा ना आज तो। पूरा गोटा मछली फ्राई पानी भात फ्राई कर किया है, पूरा क्रंची क्रंची टाइप का फ्राई किया ना, मज़ा लगेगा, बहुत मज़ा लगेगा। तो दोस्तों हमने मछली बनाकर खाना खा लिया पानी भात के साथ, बहुत ही मजा आया, बहुत मजा आया। और ठीक है, फिर आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे हम लोग को पता है। हाँ जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और ढेर सारा प्यार करना। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना और हमें ढेर सारा प्यार देते रहना। आज का वीडियो इतना ही, और एक नई वीडियो के साथ हम बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।